नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को जब रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया तो देश को कैशलेस इकोनॉमी का सपना दिखाया। देश उस रास्ते पर चल भी रहा था, लेकिन अब कई ऐसी चीजें हैं जो पीएम के कैशलेस इकोनॉमी के सपने के बीच में आ रही है। आज हमारी इस खास पेशकश में हम आपको इसी से रूबरू कराएंगे कि आखिर कैशलेस इकोनॉमी के विलेन कौन है, आखिर कैसे बैंकों की मनमानी कैशलेस के रास्ते में रोड़ा बन रही है। कहीं बैंक ग्राहकों से मनमाने तरीके से MDR वसूल रहे हैं तो कहीं ग्राहकों के बिना बात के अकाउंट से पैसे काट रहे हैं, और तो और बैंकों ने अपने ही खाते से पैसे निकालना और जमा करना भी महंगा कर दिया है। यानी कि अब ग्राहकों पर चौतरफा मार पड़ रही है। MDR की आड़ में जेब पर डाका, पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ रहा है महंगा। क्या पिछले कुछ वक्त से कार्ड से पेट्रोल और डीजल भरवाने पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं और आप परेशान हैं कि आखिर ये किस बात का चार्ज आपसे वसूला जा रहा है? तो आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर बैंक 1% तक एक्स्ट्रा चार्ज वसूल रहे हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में इस मुद्दे पर अहम बैठक हुई थी और पेट्रोल पंप पर कार्ड पेमेंट पर 1% MDR चार्ज पर सहमति बनी थी, लेकिन ये चार्ज ग्राहकों से नहीं बल्कि पेट्रोल पंप मालिकों और तेल कंपनियों से वसूला जाना था, लेकिन बैंक इसका बोझ ग्राहकों पर डाल रहे हैं। Say on a particular service which is provided by other than banks, the charges should be waived. Why just the bankers we expect? Why we want to kill that goose? Why the customers are being charged? Why the customer? You are seeking service also. What should be the level of these charges? That is the question. Whether there is a rational in those kind of charges or not, that is the rational. So, do you have any plans for? Nothing on table as of today. तो जो pricing के decisions हैं, वो हर एक bank को अपनी जो business strategy है, उसके हिसाब से तय करने चाहिए। अगर किसी customer को कल बोझ लगेगा, तो उसके पास 10 और विकल्प हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी कई बैंक MDR चार्ज वसूल रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि उनका MDR चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है और ये चार्ज बैंक वसूल रहे हैं। लेकिन अगर बैंक ये चार्ज वसूल रहे हैं तो भी कई सवाल उठते हैं। क्यों MDR की आड़ में ग्राहकों की जेब काटी जा रही है? अगर बैंक MDR चार्ज वसूल रहे हैं तो लोग कार्ड से पेमेंट क्यों करेंगे? क्या बैंक पेट्रोल पंप मालिकों से MDR नहीं वसूल रहे? सरकार का कैशलेस इकोनॉमी का सपना कैसे पूरा होगा? क्या बैंकों को ग्राहकों को कैशलेस के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम नहीं उठाने चाहिए? तो हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं। अजय बंसल साहब हैं स्टूडियो में मेरे साथ, प्रेसिडेंट है पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के, साथ ही साथ यूनियन बैंक के CMD अरुण तिवारी जी भी हैं, सुबोध डाक वाले भी हैं जो कि ईडी हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर जी बिजनेस पर। लेकिन सबसे पहले मैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास चलना चाहूंगी। प्रकाश, आपके साथ जो मौजूद है यहाँ पर लोग, उनसे जरा ये पूछे कि क्या उनकी जेब पर भी MDR की मार पड़ रही है? देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई तरह की फैसिलिटीज दी, कई तरह के इंसेंटिव की घोषणा की, और उसी में एक पहल ये की गई कि अगर आप पेट्रोल पंप पे कार्ड के इस्तेमाल से पेट्रोल और डीजल खरीदेंगे तो आपको इंसेंटिव तो मिलेगा ही, साथ में जो MDR चार्जेज हैं वो कस्टमर्स को नहीं देने पड़ेंगे और ये बैंक्स एंड जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके बीच में इसको शेयर किया जाएगा। लेकिन अनुभव ऐसा नहीं है, कस्टमर्स की शिकायतें पहले की तरह ही हैं, जो चार्जेस हैं वो अभी भी लग रहे हैं। हमारे साथ आप देखिए कई ऐसे कंज्यूमर हैं जो पेट्रोल डीजल फ्रिक्वेंटली डलवाते हैं और चार्जेस उनको अभी भी लग रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए, क्या आपको चार्जेस अभी भी देने पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल देने पड़ रहे हैं, और उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन चार्ज में आते हैं कि जी आपको 15 रुपये कैशबैक मिल गया, लेकिन जब वो आती है तो सिर्फ 3 रुपये मिले होते हैं। तो एक सरासर ये मतलब आप इसको ये समझे कि हमारे साथ जो है ना ये चीटिंग से ही इसको महसूस करने वाली बात है। और आज तो बल्कि आज मैं पेपर में भी पढ़ रहा था कि उसके अंदर अगर बैंक से आप लेन देन करते हैं तो उसमें 3 या 4 ट्रांजेक्शन के बाद आपको 150 रुपये
चार्ज देना पड़ेगा, तो ये कहाँ तक ठीक है? ये कैश ट्रांजेक्शन को कम करने के लिए ये बैंक्स अब चार्जेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर भी चार्जेस पहले की तरह लगते रहेंगे तो कैसे अब हम डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देंगे? आप भी पेट्रोल डीजल डलवाते हैं कार्ड के इस्तेमाल से, आपके कैसे अनुभव रहे हैं? आपके चार्जेस अभी भी कट रहे हैं? सर मेरे तो हर बार ही कटता है मेरा तो है, और कैशबैक जैसे ये बता रहे हैं मेरे को तो इसका तो कुछ मेरे को अभी अंदाजा भी नहीं है, मतलब मेरे को पता भी नहीं है, बट जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा? उसे कट रहे हैं वो कट रहे हैं, और मेरे तो हर बार ही कटते हैं। आपने लास्ट टाइम कब पेट्रोल डलवाए थे? अभी मैंने परसों डलवाया था। हाँ। और मेरी पासबुक में एंट्री है, उसमें कटे हुए हैं मेरे 23 रुपये। हाँ 23 रुपये कटे हुए हैं। आप बताएं। सर मेरा तो कभी 17 रुपये कट रहे हैं, कभी 19 रुपये कट रहे हैं, बता रहे हैं कि कैश बैक आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है। मैंने 3 बार कंप्लेंट भी कराई है, मैंने तो व्हाट्सएप पे शेयर किया है, फेसबुक पे भी शेयर किया है कि जब भी मैं डलाता हूँ कैश बैक आता ही नहीं है। मैंने तीन बार तो पेटीएम में भी साथ के साथ कंप्लेंट की है, नवेडा इनका ऑफिस है, तो वो आते हैं उस दिन तो चालू हो जाता है, आते हैं 9 रुपये आते हैं, 7 रुपये आते हैं, 2 रुपये आते हैं, परंतु 2 दिन के बाद फिर बंद हो जा रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं प्रॉपर। एक अहम सवाल है, कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की फैसिलिटीज कंज्यूमर को दी जा रही है, और कैश का इस्तेमाल कम हो इसको डिस्करेज करने के लिए बैंक्स एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल चार्ज लगा रहे हैं, और यही सवाल यहाँ पर हम उठा रहे हैं कि भाई आप यहाँ जो आपका कस्टमर है उससे चार्जेस क्यों वसूल रहे हैं? सबसे पहले मैं अजय बंसल साहब के पास आना चाहूंगी, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। बंसल साहब, अगर देखा जाए तो ये चार्ज जो है वो किसी कस्टमर से तो नहीं वसूलना चाहिए, क्योंकि आप सर्विसेज जो है हमें दे रहे हैं उसका खामियाजा, आप एक तो डेबिट कार्ड पर चार्ज लगता है कि नहीं, जरा ये क्लियर कर दीजिए, और दूसरी बात कितना परसेंट चार्ज किसी भी कंज्यूमर को देना पड़ता है अगर वो कार्ड से ट्रांजैक्शन करता है तो? देखिए, दो किस्म के हमारे कार्ड्स हैं, पहला डेबिट कार्ड और दूसरा क्रेडिट कार्ड। ये पूरी तरह से 8 नवंबर के बाद ये एक नीति बनी कि डेबिट कार्ड, क्योंकि अपना पैसा ही ग्राहक अपना पैसे को ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि एक सर्वर के तौर पे या बैंक की किसी फैसिलिटी के तौर पे कार्ड जब स्वाइप करता है उसको कैसे कंपनसेट करे बैंक, इसके लिए एक आपस में एक तालमेल रखने की ज़रूरत थी। पहले सबसे पहले तो ये कहा गया कि MDR जो है वो 1% स्टेट अवे, क्योंकि हमारे यहाँ मशीनें लगी हैं, पंपों से लिया जाए, पेट्रोल पंप से वो चार्ज किया जाए, जिसका कि हमने उनको कहा कि हमारी इतनी कमीशन ही नहीं है, हमारा मार्जिन ही इतना नहीं है कि हम 1% दे सकें। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने उसको माना और तुरंत उस बात को वापस लिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि इस टाइप का ये हो नहीं सकता। लेकिन अब उसके बावजूद ये रहा कि बैंकों को और उनको ग्राहकों को ना लगे और बैंक को अपनी कमाई लगे, तो डेबिट कार्ड पर ये डिसाइड हुआ कि किसी प्रकार का भी कोई भी चार्जेज नहीं रहेगी, ना तो MDR चार्जेज लगेंगे, ना ही किसी प्रकार के कोई ट्रांजेक्शन चार्जेज लगेंगे ग्राहक के लिए। लेकिन बंसल साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कैशलेस को बढ़ावा दिया, डीमोनेटाइजेशन सामने आया, उसके बाद पूरी करेंसी बदली, कहा कि आप कम कैश का इस्तेमाल कीजिए, कार्ड की ट्रांजेक्शन को ज्यादा कीजिए, ऐसे में कोई भी आम आदमी कार्ड से ट्रांजेक्शन क्यों करेगा फिर? आई विल प्रेफर टेकिंग आउट कैश फ्रॉम द ATM और उसके बाद मैं उससे अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवा लूंगी। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की और बैंक्स की RBI की कहीं ना कहीं थोड़ी समन्वय की दिक्कत रही, जिसमें कि ग्राहक को अगर जो हमने प्रमोट करना है, जैसे सरकार ने बहुत अच्छा 0.75 का एक इंसेंटिव देने की बात कही, जो भी आदमी डिजिटल, ये सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर नहीं बल्कि हमारे जो भी डिजिटल पेमेंट है या ई वॉलेट्स हैं, पेटीएम, क्विक, जितनी भी आपके ई वॉलेट्स हैं उनको सबको जो भी पंप पर पेट्रोल डीजल के तहत डिजिटल पेमेंट करेगा उसको 0.75 का पैसा दिया जा रहा है। तो इसलिए सरकार ने तो अपनी नीति बड़ी अच्छी रखी कि आप डिजिटल पेमेंट रखें और ताकि आपको इंसेंटिव मिल सके। बिल्कुल, इंसेंटिव मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ ये जो MDR वाला इशू है, ट्रांजेक्शन चार्ज जो लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसके अंदर क्लियर कट डायरेक्शन है कि आपका डेबिट कार्ड पर नहीं लगना चाहिए, वो किसी प्रकार नहीं चलेगा। चलिए, मेरे साथ सुबोध जी भी हैं, सुबोध डाकवाला, ED हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। सुबोध जी, MDR चार्जेस जो है वो OMCs वहन करे ना, बैंक इसे हमसे क्यों वसूल रहे हैं, कस्टमर से क्यों वसूल रहे हैं? साथ ही साथ ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म क्या है, जरा ये समझा दीजिए। देखिए, हमने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऑयल कंपनीज ने अपने ऊपर पूरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि डेबिट कार्ड के ऊपर कस्टमर्स को कोई भी चार्ज नहीं वहन करना पड़ेगा, और हम डेबिट कार्ड पे जो भी ये होता है वो ऑयल कंपनीज उसको पूरा बेयर कर रही हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कस्टमर्स को। एज़ फार एज़ क्रेडिट कार्ड इज़ कंसर्न, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो बैंक हैं वो करीब 1% का चार्जेस लेती हैं, जो कि पहले 2.5% फ्यूल सरचार्ज हुआ करता था, अभी उन्होंने बैंक ने उसको 1% कर दिया है, और वो
क्रेडिट कार्ड एक्चुअली बैंक और कस्टमर के बीच का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसको उसके ल्यू में करीब 45 दिन का क्रेडिट भी मिलता है। लेकिन इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑयल कंपनीज ये सारे कैशलेस ट्रांजैक्शन पे 0.75% का कैशबैक भी देती है, इंसेंटिव देती है। तो देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड में करीब करीब कस्टमर को जो ज्यादा से ज्यादा वहन करना पड़ता है वो होता है 0.25%, जो बहुत ही कम है। जी 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 सुबोध जी, लेकिन देखा जाए तो ग्राहकों के लिए जो MDR चार्ज है वो 31 मार्च तक के लिए हटाया गया है, क्या वो उसके बाद भी जारी रहेगा या फिर हटा दिया जाएगा? इसके ऊपर अभी वार्ता चल रही है और हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि कस्टमर को जितना मिनिमम इनकन्वीनियंस हो सके, मिनिमम से मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, तो उसके ऊपर वार्ता चल रही है। अभी तक तो जो फिलहाल नीति है वो उसमें है कि 31 मार्च तक में हम सारा वहन करेंगे अधिभार, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर विचार चल रहा है और जल्दी ही जो निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, अरुण तिवारी साहब भी हैं, CMD हैं यूनियन बैंक के। तिवारी जी, सरकार की ओर से कोई समय सीमा जो है वो यहाँ पर तय नहीं की गई है कि किस रकम तक अगर आप पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो तेल कंपनियां MDR जो है वो उस पर वसूलेगी और कितने से कम पर आपसे नहीं वसूला जाएगा। लेकिन अगर ये देखा जाए कि बैंक यहां पर खुद ही अपनी सीमाएं तय कर रहे हैं और कंज्यूमर से पैसा काट रहे हैं। देखिए, बात जायज और नाजायज की नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है जो मैंने पहले ही बोला, चार्जेस रीजनेबल विद रैशनल होने चाहिए, नंबर एक, एंड समबडी हैज टू पे देम। And if that be so, who pays? Customer, oil marketing company or banks will bear it. So, इसका मतलब ये हो गया कि मैं कोई सर्विस प्रदान कर रहा हूँ कस्टमर्स को और उसके लिए जो मेरे रीजनेबल चार्जेस मेरे को लेवी करने चाहिए टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग दैट सर्विस, मैं वो भी नहीं करूँ तो चलेगी सर्विस, फिर वो आगे कुछ टाइम में बंद हो जाएगी या इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सर सर, ये बात समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो यहाँ पर कैशलेस मुहिम को आगे बढ़ा रही है उसमें बैंक्स इस तरह से अड़ंगा लगा रहे हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक होने के नाते जो भी सरकार के दिशा निर्देश होते हैं हम उन पर चलते हैं और काम भी करते हैं। अगर आप जनधन की बात करें, अटल पेंशन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो इंश्योरेंस था या जीवन सुरक्षा बीमा योजना थी, और डिमोनेटाइजेशन की बात करें, हर एक में जो सरकार ने की हमसे अपेक्षा थी सरकारी बैंकों से और बैंकों से इन जनरल, हमने वो सब पूरी की है। और अगर सरकार ऐसा चाहती है कि हम इसमें भी कम या रैशनल चार्जेस लें, we are ready to do that. जी चले, आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। हम आपको बता दें कि बैंकों की एक ऐसी करतूत के बारे में बता देते हैं जिसका किसी को अभी तक कोई पता नहीं था। कुछ बैंक ग्राहकों के खाते से बिना बताए पैसे काट रहे हैं। ये पैसे क्यों काटे जा रहे हैं इसकी जानकारी ग्राहकों को नहीं दी जा रही है। जी बिजनेस ने ऐसे ही एक ग्राहक से बात की जिनके खाते से पैसे काटे गए। चलिए सुनते हैं क्या कुछ उनका कहना है। कस्टमर्स के अकाउंट से बिना बताए पैसे काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अलग अलग तमाम बैंक्स जो हैं वो कस्टमर्स को बिना बताए हुए उनके अकाउंट से पैसे कट जा रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही कस्टमर हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनके अकाउंट से कितने पैसे कटें। आपका क्या नाम है और आपके अकाउंट से कितने पैसे कटें? जी, मेरा नाम भरत सिंह है। मेरे अकाउंट से 100 रुपये के आसपास मतलब पैसे कटे पड़े हैं और ये पता मुझे तब पड़ा जब मैंने ये अपने अकाउंट से पैसे निकालने गया था तो मैं उसमें पैसे इतने नहीं थे, 100 रुपये के मतलब आसपास पैसे कटे गए, कम थे जी। किस बैंक में आपका अकाउंट है? SBI बैंक में सर मेरा। आपने फ़ोन करके उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि आपके अकाउंट से पैसे क्यों कटे हैं? सर उसके बाद मैंने अकाउंट फ़ोन करा, मैंने उन्होंने बताया आपका सर्विस चार्जेस कटे पड़े हैं, बोले इतना ही बताया, बाकी कोई बताया नहीं इतना। एक सवाल मेरा ये है कि आपके पास कोई SMS आया आपके अकाउंट से पैसे कटे तो? जी नहीं, कोई SMS कुछ नहीं आया सर। कोई SMS नहीं आया? नहीं सर। जिस तरीके से कस्टमर्स को बिना बताए हुए पैसे उनके अकाउंट से काटे जा रहे हैं ये गंभीर इशू है। मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे भी अकाउंट से तकरीबन 100 रुपये के आसपास कटे हैं और मैंने बैंक से करीब 4 या 5 बार कॉल करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर मेरे अकाउंट से पैसे क्यों कटे हैं। सिस्टम अपडेशन के नाम पर आप बाद में कॉल करें, फिर उसके बाद जब एक बार बात हुई तो ये बताया गया कि पिन जनरेट करें, फ़ोन बैंकिंग की सर्विस ले। ये एक गंभीर इशू है जिसको मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।
बिल्कुल, बहुत ही गंभीर मुद्दा है यहाँ पर कि क्यों बैंक आखिर आपके अकाउंट से पैसे काट रहे हैं, और उसका क्लियर जो है वो ब्रीफ भी आपको, डिस्क्रिप्शन भी आपको नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अजय बंसल साहब, देखा जाए तो सरकार का जो कैशलेस इकोनॉमी का सपना है, आपको क्या लगता है कि वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि देखिए, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, डीजल बनवाना, ये भले ही बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कार्ड से पेमेंट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टैंक फुल कराना चाहता है तो कई बार उतना कैश पॉकेट में नहीं रखता है। ऐसे में नेक्स्ट टाइम कोई भी कार्ड से पेमेंट नहीं करेगा अगर इस तरह से बैंक पैसा काटेंगे तो। देखिए, एक एरा हम लोग देखे कि 8 नवंबर से पहले हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन कैसे होती थी और कस्टमर को क्या करना पड़ता था, क्या उसको कॉस्ट लगती थी या चार्जेस लगते थे। और आज 8 नवंबर के बाद जिस सिचुएशन में हम लोग आज कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, सरकार ने पूरी तरह से इसको क्लियर किया है कि 0.75 को हम लोग दें ताकि लोग डिजिटल पे जाएँ। दूसरी तरफ हमारे जितने भी बैंक इन्वॉल्व हैं उनकी सर्विसेज हैं, जैसे कि अभी यूनियन बैंक के जो हमारे CMD उन्होंने बोला कि हर चीज़ की कॉस्ट है, वो कॉस्ट कौन बेयर करे, अब सवाल यहाँ पर है। ये कस्टमर बेयर करे, ऑयल कंपनी बेयर करे हमारे केस में, पेट्रोल पंप के केसों में, या पेट्रोल पंप वाला बेयर करे। हमारे हमने स्थिति बता दी कि हम नहीं बेयर कर सकते क्योंकि हमारा मार्जिन नहीं है। डिजिटल पेमेंट बढ़नी चाहिए, डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए, इसलिए सरकार ने 0.75 का ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट की है जिसको कि ग्राहकों को बहुत अच्छे से मिल रहा है, जो 8 नवंबर से पहले नहीं मिलता था, बल्कि ये दिसंबर में शुरू हुआ, तो उसके बाद आज भी कंपनी को हजारों करोड़ रुपया भरना पड़ रहा है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। तो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि ये, बल्कि ये पैसा हमारे डीलरों का कटता है, बाद में रिम्बर्समेंट होती है, जिसमें कि बहुत बड़ा अमाउंट आज भी लाखों और करोड़ों रुपया डीलर्स का पड़ा हुआ है जो कि रिम्बर्स होना है। तो डीलर्स की और सरकार की और ऑयल कंपनीज की पूरी ये एक सहायता है और एक पूरे तरह साथ है कि हम डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करें। साथ के साथ ये जो MDR के इशू हैं या ये जो आपका सर्विस चार्जेस हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, ये एक बैंक की प्रॉब्लम है, और बैंक की प्रॉब्लम ये है कि उनको भी किसी प्रकार की कोई कॉस्ट आ रही है। जैसे कि अभी आपने बताया कि 100 रुपये किसी के कट रहे हैं चार्जेस के, इसके दूसरे के कट रहे हैं, आपके रिपोर्टर साहब ने भी बोला, तो अभी मुझे दूसरे जो रिपोर्टर हैं वो भी बोल रहे थे कि हमारे पैसे कट रहा है। बेसिकली बैंक को भी ये समझना होगा कि उसको कितना कमाई और कितना उसका खर्चा है, बिल्कुल, और वो खर्चे को कैसे रिकवर करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री का जो सपना है कैशलेस इकोनॉमी का, उस तरफ देश तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये जो छोटी छोटी दिक्कतें बीच में आ रही है, इससे काफी सेटबैक लोगों को भी हो जाता है। बिकॉज कोई भी ये सोचेगा कि मैं आखिर यहाँ कैश से ही पेमेंट कर देता हूँ, मैं क्यों यहाँ पर अपने कार्ड का इस्तेमाल करूँ और 0.25% या 1% एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करूँ।